लोनली प्लैनेट में चांदीपुर बीच का नाम दुनिया के सबसे अनोखे बीचेस की लिस्ट में है। कहते हैं कि इस बीच पे आप 3 किलोमीटर अंदर तक पैदल जा सकते हैं। Do you believe that? इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या ऐसे 3 रीजन है कि चांदीपुर बीच इतना अनोखा है। एंड गाइज, ये वीडियो हमारी सीरीज टॉप प्लेसेस टू विजिट इन बालासोर का पार्ट है, सो प्लीज हमारी सीरीज की बाकी वीडियो भी जरूर देखना, जो कि है पंचलिंगेश्वर टेम्पल और इमामी जगन्नाथ टेम्पल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और हमारे कार्ड में यहाँ पर आई का साइन है, इस पे भी आपको मिल जाएगा। सो हमारी वीडियो एंड तक देखना और हमारा जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे जरूर क्लिक कर दो। अरे जब शूज क्यों उतार रहे हो यहाँ पे? हम चांदीपुर बीच पे जाने के लिए शूज उतार रहे हैं। चांदीपुर बीच बाकी बीचेस की तरह बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही अनोखा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ बीच पे जाओ और पानी में जाके एंजॉय करो, इट इज डिफरेंट। लोनली प्लैनेट कहता है कि चांदीपुर बीच पूरी दुनिया के सबसे अनोखे बीचेस में से एक है। आइए देखते हैं वो 3 रीजन कि चांदीपुर बीच इतना अनोखा क्यों है। नंबर 1, वैनिशिंग सी। शाम को 5 से 6 बजे तक जब चांदीपुर बीच पे लो टाइड होती है तो आपकी आंखों के सामने पूरा का पूरा समुद्र 3 से 5 किलोमीटर तक गायब हो जाता है। इसका मतलब यह कि लो टाइड के समय जब पानी कम होता है तो वो इतना कम हो जाता है कि समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर तक पानी ही नहीं होता। नंबर 2, वॉक ऑन द वॉटर। अब अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे पानी था और अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो पानी वहां पे होता है बट सिर्फ 1 या 2 इंच तक, इतना पानी कि आप उस पे आराम से चल सकते हैं। और सिर्फ चलना ही नहीं, आप समुंदर के कई किलोमीटर अंदर तक भी जा सकते हैं और दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे आप पानी पे चल रहे हैं। वेल, दिस इज सरप्राइजिंग। पॉइंट नंबर 3, अनएक्सप्लोर्ड। चांदीपुर बीच इतना अनोखा होने के बाद भी उड़ीसा या बाकी जगहों पे इतना फेमस नहीं है, मतलब शायद ही आपने ऐसे बीच के बारे में पहले कभी सुना होगा। तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, वो ज्यादा एरिया डेवलप्ड भी नहीं है, नेचुरल ब्यूटी आपको वहाँ पे खुलेआम मिलेगी, तो बस पानी में बैठो और सूरज ढलने का मजा लो। और इसी के साथ साथ हालांकि ये जगह इतनी डेवलप नहीं है लेकिन वहां पे छोटी छोटी दुकानें नारियल पानी की या फिर वहां के सोवेनियर्स खरीदने की आपको मिल जाएंगी, तो आपकी शाम की वॉक जबरदस्त और मजेदार बन सकती है। एक मलाई वाला भी कटा। इसलिए गाइस चांदीपुर बीच जाना तो बनता है। सो गाइस, ये था चांदीपुर बीच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। इस वीडियो के लिए और हमारी बाकी वीडियोस के लिए 100 लाइक्स का टारगेट हमने रखा है, प्लीज हमारी हेल्प करें वो टारगेट पूरा करने में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये वीडियो हमारी सीरीज बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बालासोर का हिस्सा है, तो हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना, जो कि है पंचलिंगेश्वर टेंपल और इमामी जगन्नाथ टेंपल। और एक आखिरी 2 क्लिक, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये लाल बटन दबा दो और घंटे का निशान दबा दो, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। सो गाइस, इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।